नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। भारत इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच शुरू। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरा इंग्लैंड और इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। भारत 2-0 से है सीरीज में आगे। मुंबई टेस्ट के लिए भारतीय टीम में किए गए दो बदलाव। ओपनर केएल राहुल की टीम में वापसी, वहीं चोटिल मोहम्मद शमी की जगह भुवनेश्वर कुमार को मिला मौका। इंग्लैंड टीम में सीरीज से बाहर हो चुके हसीब हमीद की जगह ओपनर कीटन जेनिंग्स हुए शामिल। 11वें FIH जूनियर वर्ल्ड कप का आगाज। खिताब जीतकर 15 साल का सूखा खत्म करना चाहेगा भारत। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में जीता था जूनियर वर्ल्ड कप। कनाडा से आज भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी अब रेड कार्ड दिखाने की तैयारी। मैदान में खिलाड़ियों को किया जा सकता है बाहर। अगले साल से लागू हो सकता है नया नियम। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की विश्व क्रिकेट समिति ने दिया सुझाव। और इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग में इंडियन एसएस की टीम की लगातार दूसरी हार। जापान वॉरियर्स ने एसएस को 27-20 से दी मात। हार के बाद भी एसएस टीम अंक तालिका में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।